हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे देखिए, आज एक जो नोटिफिकेशन आपका श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज जो कि दिल्ली में है, एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर आप यहां पे देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है आपका 28 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपका 9 प्रकार की वैकेंसी है, जिसके लिए क्लियरली इसमें बताया गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पे देखिए, जो आपका श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज की जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट में आपको ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। और इस वैकेंसी के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इस पदों के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो एलिजिबल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए जो 9 प्रकार की वैकेंसी है, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 9 प्रकार की आपका जो वैकेंसी है, इसमें आपका 10th लेवल से लेकर, देखिए कौन सी वैकेंसी, जैसे आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट है और लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये दोनों वैकेंसी आपका 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसी है। आपका लेबोरेटरी जो असिस्टेंट, ये 10+2 की वैकेंसी है। यहाँ से बाकी आपका जो वैकेंसी ऊपर वाले जितने भी वैकेंसीज है, जैसे आपका लाइब्रेरियन, आपका डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, ये आपका मास्टर डिग्री का जो वैकेंसी है, और यह वैकेंसी सीरियल नंबर जो 3 से लेकर आपका 7 तक जो दिया है, 3 से लेकर आपका 6 तक जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपका ग्रेजुएशन का वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें देखिए पोस्ट, जैसे कि आपका सबसे पहला पोस्ट है आपका लाइब्रेरियन, सेकेंड पोस्ट आपका डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की जो वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, चौथी वैकेंसी आपका टेक्निकल जो असिस्टेंट कंप्यूटर की है, पांचवी वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट आपका म्यूजियम, छठी वैकेंसी आपका असिस्टेंट, सातवीं वैकेंसी लेबोरेटरी असिस्टेंट, और इसमें देखिए आठवीं वैकेंसी आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो 10th की वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ये भी आपका 10th की वैकेंसी है, जो खास करके 10th और 10+2 के जो बच्चे हैं, इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आपका जो पोस्ट है लास्ट में दिया गया है, तो आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। देखिए, इस नोटिफिकेशन के जो विस्तार, जैसे जो फुल डिटेल्स है, जैसे मैं कुछ इस तरह कवर करूंगा, सबसे पहले जैसे आपका वैकेंसी डिटेल्स और कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आपका सैलरी स्ट्रक्चर्स, और इसके लिए मैक्सिमम एज, जो एज लिमिट क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सब तमाम जो पोस्ट के लिए आपको सभी जो कैटेगरी वाइज जो आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन भरते समय कौन सी डॉक्यूमेंट आपको जो सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन चीज़ है, सिलेक्शन प्रोसेस में कितने स्टेजेस रहेंगे और कौन सी स्टेजेस रहेंगे, सभी पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी संयम रखना होगा और मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, ताकि आप लोग आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस जैसे अगर जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, या कोई कैंडिडेट्स अगर पहले से विजिट करते आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग इसी तरह से अगर जॉब वैकेंसी, चाहे वो किसी भी स्टेट का या ऑल इंडिया बेसिस का, जो सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस करके आप इस चैनल के लिए पर्सनलाइज बन सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से जैसे भी कोई वीडियो या नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँगा, उसका इमीडिएट आपको नोटिफाई करेगा और उसका नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। सेकंड चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मेरा जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको सही लगता है, तो पक्का ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। आपका एक छोटा छोटा जो लाइक है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, एक इंस्पायरेशन है। ठीक है, और एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मान लेते हैं एलिजिबल इस पोस्ट के लिए नहीं होते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बच्चा आपको पता है एलिजिबल है, तो उनको पक्का ये नोटिफिकेशन, इस वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए। चलिए अभी देखते हैं इसका डिटेल, नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। जैसे इसका देखिए, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, जो लास्ट डेट है ये 20 फरवरी 2023 रखा गया है। तो सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा, लास्ट मिनट का रश के लिए इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट का इंतजार में अगर आप रहते हैं, तो उस टाइम जो साइट जाम होने की या साइट में प्रॉब्लम होने की कोई ना कोई संभावना रहता है। ठीक है, इसमें देखिए जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जो पहला जो पोस्ट लाइब्रेरियन के वैकेंसी में, टोटल 1 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे PEE कैंडिडेट्स के लिए है। इसका जो सैलरी आपका जो पेलेबल 10 के हिसाब से दिया जाएगा, और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है। सेकंड वैकेंसी आप देख सकते हैं, जो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपका 2 वैकेंसी है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो इसमें ये कैंडिडेट्स ये नहीं सोचना कि जो SC ST के बच्चे हैं,
इसमें अगर SC ST का वैकेंसी यहाँ पे जैसे नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, आप ये अनरिजर्व कैटेगरी से ही आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का जो वैकेंसी है, आप अगर चाहे तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वैकेंसी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक ही वैकेंसी है। ये देखिए, ये भी आपका UR के लिए है। इसका पेलेबल 7 के हिसाब से इनको पे दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35। उसी तरह आपका चौथी जो वैकेंसी है आपका सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, जो आपका कंप्यूटर के लिए एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी देखिए, ये जो एक वैकेंसी आपका PWD कैंडिडेट्स के लिए है, प्योरली PWD कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। और जो पेलेबल है, पेलेबल 6 के हिसाब से इनको पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट देखिए 30 ईयर्स तक इस पदों के लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। पांचवी वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट आपका म्यूजियम का, एक वैकेंसी आपका रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। पेलेबल 5 के हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और इसमें देखिए मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स तक इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। छठी वैकेंसी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें देखिए दोनों को अनरिजर्व कैटेगरी से ये वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें पेलेबल 4 के हिसाब से उनको सैलरी दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक कैंडिडेट जो है इस पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए सातवां जो वैकेंसी है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसमें भी देखिए दो वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पेलेबल 4 रहेगा और इसमें 30 ईयर्स तक कैंडिडेट इस पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी देखिए आठवां जो वैकेंसी, जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 10th की वैकेंसी है। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें 40 में से देखिए 38 वैकेंसी जो अनरिजर्व के लिए, दो वैकेंसी आपका PWD जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, उनके लिए है। और ये पेलेबल 1 के हिसाब से इनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपका 30 ईयर्स तक इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट जो वैकेंसी आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का वैकेंसी, चार वैकेंसी है, चारों में से 3 अनरिजर्व के लिए, एक आपका PWD कैंडिडेट्स के लिए। ये भी आपका पेलेबल 10 के अंतर्गत होता है और 30 साल तक इस पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी बात करते हैं इन सभी पदों के लिए आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकताएं क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पोस्ट है आपका लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री के क्वालिफाइड होना चाहिए। इन आपका लाइब्रेरी साइंस हो सकता है या इंफॉर्मेशन साइंस हो सकता है या डॉक्यूमेंटेशन साइंस साइड से हो सकता है। और मिनिमम एग्रीगेट देखिए यहाँ पे 55% रखा गया है, बट अगर SC ST का कैंडिडेट्स है तो या PWD कैंडिडेट्स है तो 50% होने से भी आप आवेदन कर पाएंगे। कंप्यूटर का अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए और दूसरी आपका नेट क्लियर किया होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन का जो वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दो तरह के एजुकेशन को जो है इसमें अलाउ किया गया है। सबसे पहले जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन पे एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस में। ये जो तीन प्रकार का जो जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिजिकल एजुकेशन से मास्टर डिग्री होना चाहिए या स्पोर्ट्स साइंस से मास्टर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम एग्रीगेट जो है 55% होना चाहिए। बाकी अगर जो SC ST कैटेगरी से जो बच्चे आवेदन कर रहे हैं वो 50% होने से भी वो कैंडिडेट्स जो है आवेदन इसमें कर पाएंगे। और इसके लिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज एट इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेज को रिप्रेजेंट किया हो, या आपका इंटर कॉलेजिएट जो कंपटीशन है या स्टेट या आपका नेशनल चैंपियनशिप से अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो उनके लिए जो है आसान रहेगा, सिलेक्शन होना आसान रहेगा। और वो कैंडिडेट्स नेट भी क्लियर किया होना चाहिए, जैसे आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्लियर किया होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर ये किसी कैंडिडेट्स के पास नहीं है, कोई कैंडिडेट्स अगर एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम में मेडल विनर है, एशियन गेम या कॉमन जो वेल्थ गेम में अगर मेडल विनर है वो कैंडिडेट्स जो है उस और हु हैज ए डिग्री एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर डिग्री है वो कैंडिडेट्स भी इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। फिजिकल टेस्ट से पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा जो डायरेक्टर एजुकेशन स्पोर्ट्स, जो आपका डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन जो पोस्ट के लिए आपका कुछ फिजिकल से, इसमें देखिए फिजिकल से पहले आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो है उसमें सर्टिफाई किया होना चाहिए आप जो है फिट फॉर है मेंटली, और जो है मेंटली आप जो है फिट फॉर है। और उसमें देखिए जो मेन कैंडिडेट्स है,
जो पुरुष है उनके लिए जैसे 30 साल का अगर कैंडिडेट से आवेदन करते हैं 18 मीटर का रन या वॉक आपको करना होगा 12 मिनट के अंदर, आप वॉक करो या रन करो। ऐसे ही जो 40 ईयर्स तक कैंडिडेट से 1500 मीटर करना होगा, अप टू 45 ईयर्स तक 1200 मीटर, अप टू 50 ईयर्स के कैंडिडेट से 800 मीटर का जो रन या 12 मिनट के अंदर आपको कवर करना है। उसी ढंग से यहाँ पे देखिए जो नम्स दिया गया वोमेन के लिए, वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट में रन या वॉक के जरिए आपको कवर करना होगा। 30 ईयर्स तक जो फीमेल कैंडिडेट से 1000 मीटर, 40 ईयर्स तक वोमेन कैंडिडेट से 800 मीटर, अप टू 45 ईयर्स तक जो है 600 मीटर, अप टू आपका 50 ईयर्स तक कैंडिडेट्स जो है 400 मीटर की आपका दूरी तय करना पड़ेगा जो 8 मिनट के अंदर। ठीक है, ये आपका फिजिकल टेस्ट ही है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अभी देखिए तीसरा जो वैकेंसी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ देखिए इसके लिए जो आवेदन करेंगे 3 ईयर्स का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी या ऑटोनोमस जो बॉडीज में या PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इस तरह की आपका जो अपॉइंटमेंट में 3 साल का कम से कम जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट का डिटेल्स दिया है, जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं ये इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ देखिए सीनियर आपका टेक्निकल असिस्टेंट जो कंप्यूटर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए एजुकेशनल, अगर एजुकेशन की बात करें कैंडिडेट आपका जो बीटेक किया हुआ कैंडिडेट आपका यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक जो इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अगर बीटेक किया हुआ है वो इस पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अन्यथा अगर कोई कैंडिडेट MSc इन कंप्यूटर साइंस किया है या MCA किया हुआ है विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर अगर है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, वो कैंडिडेट्स भी आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के ऊपर आवेदन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल असिस्टेंट म्यूजियम। टेक्निकल असिस्टेंट म्यूजियम के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स के बैचलर डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपका बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस या आपका बायोटेक्नोलॉजी साइड से होना चाहिए विथ उसके साथ साथ आपका 2 साल की जो वर्क एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है वो बेहतर है, बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है वो कैंडिडेट्स भी इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट आपका बीटेक किया हुआ है इन रिलेवेंट जैसे बायोटेक्नोलॉजी से, अगर बीटेक किया हुआ है तो भी इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट्स आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया है बायोटेक्नोलॉजी से अगर 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया है और उसके साथ साथ इसमें आपका अगर 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स जो डिप्लोमा किया हो बायोटेक्नोलॉजी से और 4 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका जो पोस्ट है ये है आपका असिस्टेंट। यहाँ देखिए असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए कैंडिडेट सबसे पहले ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, उसके साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना जरूरी है तभी जाके आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट का जैसे मैंने पहले से बताया था इसमें 10+2 की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, साइंस साइड से होना चाहिए। ठीक है, 10+2 अगर साइंस है आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा अगर जो ग्रेजुएट कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से इस पदों के लिए आवेदन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका लेबोरेटरी जो अटेंडेंट की वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए देखिए आपका कैंडिडेट्स को सिर्फ 10th पास किया होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट तो होता ही है। ठीक है, 10th पास किया होना चाहिए, इसके लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी कोई वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट के लिए भी कोई वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। लास्ट वैकेंसी आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए इसके इस पदों के लिए भी आपका 10th स्टैंडर्ड की जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए अभी बात करेंगे इसमें जो रिलैक्सेशन कुछ है, इसमें देखिए 5% का जो रिलैक्सेशन है जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट्स है जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और डिफरेंटली एबल्ड जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें 55% मंगाया गया है उनके लिए 50% होने से भी वो कैंडिडेट्स इस पदों के लिए आवेदन
कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एप्लीकेशन जो होगा आपका, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट करवाए जाएंगे। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, और आपका जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी चेक किया जा सकता है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है चेक किए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए अपर एज लिमिट जो है इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो आपका शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से, पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इन्हीं कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो आपका जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट जो मतलब जो करंट डायरेक्टिव्स के हिसाब से आपको जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए जो आपका जो फी, एप्लीकेशन फी जमा करने की जो जरिया है वो ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में ही आप जमा करेंगे। देखिए एप्लीकेशन फी जो रखा गया है आपका 500 रुपया रखा गया है। इसमें देखिए देखिए एप्लीकेशन फीस जो है आपका अनरिजर्व कैंडिडेट्स है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। बट इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है एससी, आपका एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस की आवश्यकता नहीं है। और सभी कैटेगरी के जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एग्जम्प्टेड है, कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, आप गलती से मत भरिएगा। नेक्स्ट अभी बात करते हैं, अगर इस नोटिफिकेशन के अंदर किसी प्रकार की अगर संशोधन होता है एडेंडम, या आपका जैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर एडेंडम या आपका कोरिजेंडम किसी प्रकार का संशोधन या करेक्शन होता है वो आपका कॉलेज का जो वेबसाइट, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाया था उसी वेबसाइट में आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए लगातार इस वेबसाइट अगर आप अप्लाई करते हैं तो लगातार इसका वेबसाइट से आप लोग बने रहिए। कोई कैंडिडेट्स अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो कर सकता है, बट उसके लिए आपका जो है सेपरेट एप्लीकेशन, उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एडमिट कार्ड आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो इशू होंगे वो आपका वेबसाइट में ही अपलोड होंगे, आपको जो पर्सनली भेजा नहीं जाएगा तो उससे आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो बात करेंगे, देखिए जो इसमें देखिए जो सभी कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा, इसमें जो भी आपका जो मेन डिटेल्स था सभी डिटेल्स मैंने इस नोटिस वीडियो में कवर किया। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, पीडीएफ मेरा टेलीग्राम पेज वर्ड टू सक्सेस के नाम से, वहाँ पे इसका पीडीएफ को मैंने शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो कैंडिडेट संपूर्ण पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पेज का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक के जरिए मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अदर इंपॉर्टेंट जितने भी वैकेंसी और भी बहुत सारे वैकेंसी का वीडियो उसमें है और पीडीएफ भी है मेरा टेलीग्राम पेज में, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस नोटिफिकेशन का जो डिटेल्स, जो जानकारी है जो मैंने कवर किया। आशा करता हूँ मेरा देश के तमाम जो अभ्यर्थी, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स है, जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए अपेक्षित जो कैंडिडेट्स है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, इतने में इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।